नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पद। अभी कुछ दिन पहले राइट टू इंफॉर्मेशन या फिर सूचना का अधिकार अधिनियम, इसकी एनिवर्सरी थी 18वीं। 2005 के अक्टूबर के महीने में राइट टू इंफॉर्मेशन लागू हो गया और भारतीयों को वो हक मिल गया जिसके लिए वो एक दशक से ज्यादा वक्त से उसके लिए आंदोलन कर रहे थे। एक तरह से 2005 में जब यूपीए सरकार ने आरटीआई को इंट्रोड्यूस किया, उसको जब इनैक्ट किया, तो वो एक तरह से सिविल सोसाइटी की प्रेशर और सिविल सोसाइटी के साथ साथ कुछ प्रोग्रेसिव सेक्शंस भी थे मीडिया के जिन्होंने इसका समर्थन किया था। ये बहुत ही एक मेजर घटना थी क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों को जो आम जाना जाना चाहिए उसको भी सरकारें नहीं बताती थी। आरटीआई के बाद से बहुत इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग पहले कॉन्फिडेंशियल मानते थे, पता चला कि ये तो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए और काफी कुछ है भी, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुए थे, जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए थे 2005 से लेकर 2014 तक, वो लेकिन एक तरह से बैकस्लाइडिंग कॉन्स्टेंटली हमको दिखाई पड़ी है 2014 के बाद से। तो हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और हमसे बात करेंगे वेंकटेश नायक, जो डायरेक्टर हैं कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के और को कन्वीनर हैं NCPRI, नेशनल कमिटी फॉर पीपल्स राइट्स मूवमेंट, जो पूरा जिस सिविल सोसाइटी की जो संस्था ने जो आंदोलन चलाया था उसके ये को कन्वीनर हैं। तो वेंकटेश जी, हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत ही मतलब धन्यवाद। और ये बहुत ही अहम कड़ी है क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन पे अटैक हो रहा है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी इसके बारे में टिप्पणी की थी जिस दिन एनिवर्सरी थी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो कि 2005 में जब यूपीए की सरकार ने इस कानून को इनैक्ट किया था और उसके बाद ये लागू हो गया, तो उससे लोगों की जिंदगी में, लोगों के मतलब काम करने के तरीके में और सरकार जिस तरह से इंफॉर्मेशन को नहीं शेयर करती लोगों से, नॉन डिस्क्लोजर की तरह से काम करती रहती, उसमें क्या परिवर्तन आया था? जी, काफ़ी हद तक परिवर्तन आया है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ये बता दें कि 2005 में ये जानकारी प्राप्त करने का हक लोगों को मिला नहीं। ये हक इसकी खोज 1975 की साल में हुई थी सुप्रीम कोर्ट के एक खंडपीठ के द्वारा। इंदिरा गांधी जी जो उस जमाने में प्रधानमंत्री थे, तो उनके चुनाव के सिलसिले में कुछ जानकारी मांगी गई ये दिखाने के लिए कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीता था जी। तो उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारी जो संवैधानिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जिसको विचारों की अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका एक अहम अंग जानकारी प्राप्त करने का अधिकार को भी माना गया। तो एक प्रकार से ये डीम्ड फंडामेंटल राइट बन जाता है। लेकिन 1975 से लेकर 2005 तक इस कानून को देश भर में अमलीजामा पहनाना वाला कानून था ही नहीं। कुछ राज्यों ने, तकरीबन 9 राज्यों ने, तमिलनाडु और गोवा से शुरू करके 1997 के साल में राज्य स्तर के दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए, लोगों का अधिकार को एक तरह से चिन्हित करने के लिए कानून पास किया, लेकिन ज्यादातर राज्यों में इस प्रकार के कोई कानून थे ही नहीं। फिर 2002 में एनडीए का जो प्रथम सरकार जो था, उन्होंने एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट करके उन्होंने पास किया, लेकिन उसको उन्होंने अमल में लाई नहीं नोटिफाई तो हो गया था लेकिन उसके नियम नहीं बने और उसको कार्यरत करने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो फिर 2005 में यूपीए की सरकार जब आई और उन्होंने शुरुआती दौर में कुछ ऐसे विशेष प्रकार के कानून लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, और वो भी नागरिक समाज के कई सारे प्रतिनिधियों का एक समिति बनी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल,
तो उसमें कई सारे हमारे सदस्य जो सूचना के अधिकार के पक्षधर हैं वहाँ के, वहाँ उस समिति के सदस्य थे, तो उनके योगदान द्वारा, जैसे आपने कहा नागरिक समाज के योगदान द्वारा, और मीडिया कर्मी जो उस जमाने में पारदर्शिता के जो समर्थक थे उनके योगदान की वजह से ये कानून लाया गया। सूचना के आदान प्रदान के जो प्रक्रिया है उसको अमली जामा पहनाने के लिए फर्क क्या आया है सैद्धांतिक तौर पे अगर देखी जाए, इस कानून के आने से पहले सरकार का जो काम करने का तरीका जो था वो ये था कि आम तौर पर गोपनीयता बरती जाएगी तब तक जब तक सरकार ना चाहे कि कुछ जानकारी नागरिकों को मुहैया करवाई जाए। लेकिन सूचना के अधिकार कानून के आने के बाद सिद्धांत में फर्क क्या आया है? फर्क ये आया है कि सरकार के काम के पीछे का सिद्धांत गोपनीयता नहीं रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, और जो भी जानकारी कानून में बतलाया गया है कि सार्वजनिक हित के अनुसार देय नहीं है, केवल उसी प्रकार की जानकारी लोगों को लेने का हक नहीं रहेगा, बाकी सारे प्रकार की जानकारी सैद्धांतिक तौर पर लोगों को दिए जानी चाहिए। और जो हकें, जो छूट दिए गए हैं इस अधिकार को लेकर, वो बहुत ही कम संख्या वाले हैं, 10 बिंदुओं में इस कानून में शामिल किया गया है। तो एक तरह से देखी जाए कि सरकार का काम करने का तरीका गोपनीयता की बुनियाद से हटाकर पारदर्शिता की बुनियाद पर टिकाने के लिए इस कानून को लाया गया, लेकिन अमल किस प्रकार से हो रहा है ये दूसरी बात। जी वेंकटेश जी, आप अलग अलग अखबारों में और कुछ वेब पोर्टल्स में भी लेख लिखते हैं, आप बहुत प्रोलिफिक राइटर हैं। एक जो मेरे को सबसे ज्यादा मैंने नोट किया कि आपका जो बोलते हैं ना कि राइटर्स बायो या ऑथर्स बायो करके होता है कि कॉलम लिखा रहता है, नहीं हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो बात लिखी गई है वो मैं हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनका इंट्रोडक्शन जाता है अपने इनके नाम के नीचे कि वेंकटेश नायक वेक्स अप एवरी मॉर्निंग थिंकिंग समवन समवेयर इज हाइडिंग समथिंग, कोई कहीं कुछ चीज छिपा रहा है। छिपाने की तो जो प्रथा है हिंदुस्तान में सरकारों की रही है, कुछ सरकार की कम रही है, कुछ सरकार की ज्यादा रही है। आपने बताया कि यूपीए सरकार के समय आई ये कानून, तो उस समय की जो सरकार थी पहले की सरकार के तुलना में उससे ज्यादा उसको जो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिला हमें यूपीए की सरकार में। यूपीए की सरकार में कई प्रोग्रेसिव मेजर्स किए गए थे जिनमें से राइट टू इंफॉर्मेशन को एक बहुत ही हाई मतलब ऊंचे दर्जे पे रखा जाएगा कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन था। हम थोड़ा ये इस बात पे विस्तार बात करते हैं कि 2014 के बाद से इस कानून को लेके क्या हुआ और उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए, क्या फंक्शनिंग में परिवर्तन किए गए और क्या कानून में परिवर्तन किए गए, खास तौर से 2019 के बाद से। जी बिल्कुल 2014 के बाद और 2019 के बाद से कथनी और करनी में बहुत फर्क आई है पारदर्शिता को लेकर। अगर आप सरकारी नीतियों को देखेंगे और खास तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वेबसाइट है उसको अगर आप देखेंगे तो वहां पर पूरा एक पन्ना लिखा हुआ है कि किस प्रकार से सरकार पारदर्शिता के प्रति कटिबद्ध है और अमल में उसको लाना चाहती है। लेकिन ज्यादातर हम ये देख पा रहे हैं कि जानकारी को गोपनीय रखने का जो काम है वो ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, खासतौर पर इस प्रकार की जानकारी जो सरकार के कामकाज में कमियों को दर्शाती हो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, तो इसके वजह से एक सोच लोगों के मन में बैठ गया है, और ये केवल केंद्र के स्तर पे नहीं राज्यों के स्तर पर भी यही हुआ है। एक सोच लोगों के मन में अभी उभर के आना शुरू हो गया है, काफी साल भी हो गए, ये कहकर कि सरकार जो है पारदर्शिता के प्रति अभी वचनबद्ध नहीं है। जो फिर से वही जो सूचना के अधिकार कानून के आने के पहले का जो सिद्धांत था कि आमतौर पर गोपनीयता बरती जाएगी और सरकार जब चाहेगी तो उसी प्रकार की जानकारी लोगों को मुहैया करवाई जाएगी, तो उसी दिशा में हम फिर से पीछे चल रहे हैं। इस तरह से लोगों का एक सोच है, और इसके कई प्रकार के इंडिकेटर्स हैं। उदाहरण के तौर पर
कुछ विशेषज्ञों ने एक संशोधन अनुसंधान करके ये पाया है कि 2014 के बाद, अभी 2023 में हम चल रहे हैं, 3 महीने बचे, 2.5 महीने बचे खत्म करने के लिए, अभी तक के जो भी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हुई है 2014 के बाद से, उनमें से किसी भी प्रक्रिया बिना सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के हुई नहीं है। यानी होना क्या चाहिए कानून के मुताबिक, जब भी सूचना आयुक्तों के स्थान रिक्त होते हैं, खाली होते हैं, क्योंकि नियुक्त किए गए अधिकारी का समय पर पूर्ण हो जाता है, तो फिर उनके लिए कोई सक्सेसर लाना पड़ता है, तो वो होते ही नहीं, महीनों तक, कई बार सालों तक वो स्थान रिक्त रहते हैं, खाली रहते हैं। तो जब तक सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाकर उनको बताएंगे नहीं कि देखिए सूचना के मामलों के जो अपील हैं, शिकायतें हैं, उनकी संख्या लाखों में पहुंच रही है, और वो उसका उसके पीछे एक वजह, एक खास वजह ये है कि सूचना आयुक्तों में जो नियुक्तियां होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो ये सरकार से जब दरख्वास्त की जा, सुप्रीम को, सर्वोच्च न्यायालय से जब दरख्वास्त की जाती है, तब जाके निर्देश आते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से पूछा जाता है कि आपके मुताबिक कितने रिक्तियां हैं, कितने साल, कितने सूचना आयुक्तों के पद खाली पड़े हैं, कब से खाली पड़े हैं, तब जाके उनकी भर्ती होती है। ये एक और समस्या है। तीसरी समस्या ये है कि ये सूचना के अधिकार के कानून को पिछले 18 सालों में से बहुत ही संक्षिप्त बनाकर, बहुत ही उसको ये बनाकर, नैरो बनाकर देखा जा रहा है। अब इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, कानून की मंशा कहीं पर भी ये नहीं है कि लोगों के मांगने के बाद ही जानकारी उनको दिया जाए। कानून की धारा नंबर 4 उपधारा नंबर 2 में बताया गया है कि हर सरकार, हर सरकारी महकमा, उनका उनकी कोशिश यही रहना चाहिए कि लोगों को बिना मांगे स्वयं खुद ब खुद लोगों को जानकारी मुहैया करवाई जाए, चाहे वो वेबसाइट के माध्यम से हो, अखबारों के माध्यम से हो, टेलीविजन के माध्यम से हो, या फिर अपने सूचना फलकों के माध्यम से हो। अलग अलग तरीके बताए गए ताकि लोगों को RTI एप्लीकेशन यानी अर्जियां डालने की जरूरत ना पड़े और ये कम होती जाए। लेकिन आज की तारीख में हुआ क्या, हो क्या रहा है? आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सूचना के आवेदनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन स्वैच्छिक रूप से घोषणा करने वाली सूचनाएं जो है वो या तो आ नहीं रहे हैं वेबसाइट पे, या फिर उनको वेबसाइट पे कुछ ही सीमित समय के लिए रखा जा रहा है। और ये मैं अपने मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं, अगस्त के महीने में सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है और उसमें एक दिशा निर्देश ये मौजूद है कि 2011 में UPA सरकार के समय जो एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था कि इस कानून के धारा 4 जिसमें बहुत सारे 16 बिंदुओं पर लोगों को जानकारी उनके पूछे बिना देने के लिए उसमें प्रावधान है, उस पर अमल करने के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए गए थे। उस टास्क फोर्स का मैं भी एक सदस्य था और उस गाइडलाइंस के कई सारे चैप्टर्स मैंने स्वयं लिखे हैं लोगों के साथ चर्चा करने के बाद, देश भर में उस कार्य को लेकर चर्चा हुई, लेकिन बाद में अमलीकरण हुआ ही नहीं, जिसके चलते अभी 2023 साल में सर्वोच्च न्यायालय को बोलना पड़ रहा है कि सरकार को केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, क्योंकि दोनों के लिए दिशा निर्देश लागू होते हैं, कि अपने खुद के दिशा निर्देशों को आप अमल में लाइए। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता है कि जिस तरह से सरकार को गोपनीयता से हटकर पारदर्शी रूप से काम करना चाहिए था, उस पर ज्यादा काम ही नहीं हुआ है। इसी की वजह से लोग लाखों की संख्या में हर साल आवेदन डालते रहते हैं, जानकारी मांगने की कोशिश करते रहते हैं जी। तो ये जो है कमियां हैं कानून के अमलीकरण की प्रक्रिया में जी। कुछ मैं बताएं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बाद में बात करेंगे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने तो मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन को डायल्यूट करने की कोशिश की ही है, लेकिन साथ साथ में कुछ राज्य सरकारों ने भी किए, क्या हम आपको कोई पैटर्न नजर आता है आखिरकार? मतलब कई ऐसे राज्य सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी के या फिर उनके जो एलाइज हैं उनके लीडरशिप में सरकारें चल रही हैं, और फिर कुछ ऐसे हैं जो विपक्ष के कंट्रोल में स्टेट्स हैं, तो इनमें कोई पैटर्न आपको नजर आता है कि क्या बीजेपी की सरकारें जो हैं
वो कुछ ज्यादा आरटीआई को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है, उसमें कमी करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर तथ्यों के आधार पर बात किया जाए तो आरटीआई कानून को डाइल्यूट करने का काम सफल रूप से एनडीए सरकार के दौरान हुआ है, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान कोशिशें बहुत हुई लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। जी कानून में संशोधन करने के लिए विधेयकों को बनाए तो गए थे यूपीए के सरकार के समय, लेकिन नागरिकों के दबाव के वजह से, विपक्ष के दलों के दबाव के वजह से वो सफल नहीं हो पाए। जी लेकिन एनडीए सरकार के आने के बाद कम से कम दो ऐसे संशोधन हुए हैं सूचना के अधिकार कानून में जो इस कानून के जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो प्रभाव है उसको वो कम कहीं हो गया। संबोधित करते हैं। सबसे पहले कानून में बताया गया था 2005 में कि सूचना आयुक्तों का पद क्या रहेगा, उनकी जी तनख्वाह क्या रहेगी और सेवाकाल क्या रहेगा। कानून में ये चीजें शामिल किए गए थे, लेकिन उसको हटाकर एनडीए सरकार ने उनके पद, उनके तनख्वाह और बाकी जो उनके एंटाइटलमेंट्स हैं और सेवाकाल, इनको तय करने का अधिकार अपने हाथों में ले लिया है। ये जी पहला संशोधन था। नियमों के जरिए सरकार जो है तय करने के लिए अधिकार कानून से छीनकर अपने पास रख लिया है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। दूसरा परेशानी वाली बात जो इस साल हुई, वो एक बहुत ही बड़ा एक संशोधन हुआ सूचना के अधिकार कानून में, और वो है हमारे जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डेटा प्रोटेक्शन है। जो लोगों की निजी जानकारी जो गणकीकृत किया गया है उसके गोपनीयता को लेकर एक कानून बनाया गया है। वो अभी अमल में आया नहीं है, जी लेकिन उसके विधेयक में एक प्रावधान को शामिल किया गया कि सरकार ने ये संशोधन का प्रस्ताव ये आया और वो पारित भी हो गया, और वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति का निजी जानकारी आइंदा से सूचना के अधिकार कानून के तहत आम तौर पर देय नहीं होगा, और उसके बहुत सारे उसमें परेशानियां हैं। अब सबसे बुनियादी वाली बात लेते हैं, इस संशोधन को अगर अमल में लाया जाए तो आज की तारीख में जो मतदाता सूची है, जो सार्वजनिक है, जी क्योंकि सब मतदाताओं के नाम है उसमें, तो ये सारे पर्सनल डेटा बन जाएगा, शायद ये हटाई जाएगी। जी अब ये इसके अपेक्ष मतलब ये एक्सपेक्टेड है, पता नहीं करेंगे कि नहीं। और दूसरी बात, सरकार की तरफ से एनडीए के आने के बाद बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी जो सहायता, आर्थिक सहायता लाभार्थियों के बैंक के अकाउंट में सीधे सीधे पहुंचाने के बहुत सारे योजनाओं को चलाया गया है, सरकार ये और क्लेम करती है कि हमने ये बिल्कुल डायरेक्टली इसको शुरू भी किया है। बिल्कुल पीएम किसान योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हो, या फिर नेशनल सोशल असिस्टेंस पेंशन्स वगैरह जो हो, तो ये इस जो प्रकार के सब्सिडी डीबीटी, होते हैं उनके बिल्कुल बारे में भी बोलते हैं वो लोग कि वो इन डायरेक्टली जी खाते में जाता है। जी जी इन सभी योजनाओं के लाभार्थियों के बारे में जानकारी सार्वजनिक की जाती है पोर्टलों के द्वारा, सरकारी पोर्टलों जी के द्वारा। अब हम लोग ये हम लोगों की आशंका ये है, ये सारी जानकारी भी शायद हटाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारे व्यक्तिगत जानकारी है, और ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये पब्लिकली खुलासे करने के योग्य नहीं है। और अगर मान लो आवेदन देकर सूचना के अधिकार कानून के तहत उनके बारे में अगर दरख्वास्त भी की जाती है, शायद वो नकारा भी जाएगा। अगर ये हाल रहेगा तो फिर जो लाभार्थी इन योजनाओं के तहत लाभ लेने के पात्र नहीं है, यानी अपात्र लाभार्थी जो है, उनके बारे में कैसे खोज की जा सके जाएगी लोगों के द्वारा? मीडिया करती है, नागरिक समाज के लोग जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर अपात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लाखों की जी संख्या में है, करोड़ों की संख्या में पैसे बर्बाद हो रहे हैं आपके और हमारे द्वारा, टैक्स के द्वारा दिए गए पैसे। तो ये जानकारी के अनुपलब्धि में आप इन योजनाओं के सफलता के बारे में जांच कैसे करेंगे? सीएजी ये कर पाएगी, और कोई नहीं करेगा, ये भी एक समस्या है। तीसरी बात, हर चुनाव से पहले आप देखते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाले जी
एक कच्चा चिट्ठा निकालते हैं चुनाव के एफिडेविट से इंफॉर्मेशन कौन कितने लोग करोड़पति हैं, कितनों के क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, उसके डिटेल्स निकाल के वो पब्लिक डोमेन में रखते हैं उसमें वो केवल कौन कितना अमीर है या गरीब है केवल इतना नहीं बता रहे आजकल, क्योंकि बहुत सारे चुनाव 2004 के बाद से हुए हैं। एडीआर संस्था ये भी बता रही है कि पिछले चुनाव के बाद जो 5 साल हुए उसके दौरान चुनाव में लड़ने की इच्छुक उम्मीदवारों की संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, ये भी पता चलता है, वृद्धि हुई है। तो ये जानकारी एफिडेविट के माध्यम से पब्लिक किया जाता है, तो एफिडेविट भी होना चाहिए। लेकिन डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के आने के बाद शायद ये डेटा भी अगर हटा दिया जाएगा, तो अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठा करने के बारे में जो मुकदमे चलते हैं उनके लिए कहां से सबूत इकट्ठा करेंगे? तो मोटे तौर पे तो एक तरफ तो हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस हैं कि इस इन पैरामीटर्स पे राइट टू इंफॉर्मेशन को डाइल्यूट किया गया, उसके पावर को कम किया गया। दूसरा ये कि बाकी जो हमारी जो आशंकाओं की सूची है वो इतनी लंबी है, वो अगर सब वाकई हो गया तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन तो बस नाम का रहेगा और हक मांग मतलब इस राइट को तो कोई उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, ये मेरे को लगता है। एक छोटा सा मैं और एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपको। मुझे याद है कि हम लोग मीडिया में खासतौर से 2005 के बाद से 2014 तक हर अखबार में एक तरह से एक या दो पत्रकार ऐसे थोड़े मतलब मध्य मिड सीनियर लेवल के ऐसे होते थे जिनको बोला जाता था कि इनको राइट टू इंफॉर्मेशन रिपोर्टर्स हैं, कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन के पावर्स को इस्तेमाल करके उसमें से खबरें लाएं और उनकी स्पेशल स्टोरीज बनती थी जिनको बहुत अच्छा डिस्प्ले मिलता था और उन अखबारों से टीवी पे भी जाता था और फिर एक तरह से लोगों में मतलब गुस्सा होता था, मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट, कई सारे केसेस में मतलब देखा गया कि आंदोलन शुरू हुए और इंफॉर्मेशन जानने के लिए। तो एक तरफ तो हमको मीडिया में इसका बहुत शार्प डिक्लाइन नजर आता है, एक सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट के तौर पे आपको इसमें क्या परिवर्तन नजर आया? जी, परिवर्तन दो प्रकार के हैं। मैं ये मान के चलता हूँ आजकल कि सूचना के अधिकार का प्रयोग करने वाले मीडिया कर्मियों की संख्या और प्रयोग करने की जो किस्से हैं वो बड़े हैं, कम नहीं हुए। हाँ, लेकिन उनका प्रचार प्रसार जो आम तौर पे प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हुआ करता था, उस पे पाबंदी लगने लगी है मैनेजमेंट की तरफ से, जिसके चलते आज के तारीख में आरटीआई के आधार पर जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज पत्रकार छाप रहे हैं ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मीडिया के माध्यम से वो चल रहा है। अब देखिएगा, आरटीआई में मीडिया कर्मियों की रुचि कम नहीं हुई है और ना केवल मीडिया कर्मी लेकिन मीडिया के बारे में पढ़ने वाले छात्र जो जर्नलिज्म स्टूडेंट्स हैं, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास साल में कम से कम 5 से 6 ऐसे दरख्वास्त आते हैं इन जर्नलिज्म स्कूलों से कि आके आप हमारे छात्रों को समझाइए, पढ़ाइए कि आरटीआई की शक्ति क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। जैसे अगले हफ्ते मैं जाने वाला हूँ, यहाँ सोनीपत में एक बड़ा सा विश्वविद्यालय है, वहाँ पर कुछ जर्नलिज्म के छात्र हैं, उनको 3 घंटे के लिए आरटीआई का कानून का जो पोटेंशियल क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, अन्य पत्रकारों ने उसका किस तरह से इस्तेमाल किया, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको बताने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपका जो सवाल था वो बिल्कुल सही है, जिस संख्या में सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल बढ़ना चाहिए था मीडिया के क्षेत्र में वो हुआ नहीं है, उतना हुआ नहीं है। और यहाँ पर इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, हमारे रिपोर्टर्स तो हमेशा तैयार है। पिछले 10-15 सालों में हमें कम से कम सैकड़ों जर्नलिस्ट को मैंने तैयार किया हुआ है आरटीआई के तालीम देकर, लेकिन जब तक एडिटोरियल पॉलिसी और मैनेजमेंट पॉलिसी आरटीआई के इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं रहेगा तब तक ये चाहे कितने भी आरटीआई डालें और स्टोरी लिखें वो एडिटर के डेस्क के आगे जाकर छपने के चांसेस उसके बहुत कम रहते हैं। जी,
तो एक बार समझाइए, आपके न्यूज क्लिक है, न्यूज लॉन्ड्री है, आर्टिकल 14 है, ऐसे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आरटीआई का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो नीति निर्माण के जो प्रक्रियाएं हैं सरकार के अंदर, चाहे वो कोयले के बारे में हो या फिर पर्यावरण के सुरक्षा के बारे में हो, खाद्य सुरक्षा के बारे में हो, बहुत सारी आरटीआई की स्टोरीज आज भी छप रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोग अखबार को खोल के, प्रिंटेड अखबार को खोल के उस प्रकार की स्टोरीज को पढ़ने की हम लोग ने आदत डाली थी, वो आजकल वहां नहीं दिखने को मिलता, आपको इंटरनेट में मिलता है। जी, तो ये बताइए कि सिविल सोसाइटी के मेंबर और एक मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्टिविस्ट के तौर पे आप क्या देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, कि एक तो एक तरफ तो सरकार की तरफ से राइट टू इंफॉर्मेशन को डाइल्यूट किया जा रहा है, काफी हद तक कर दिया गया है, बाकी आशंकाओं के बारे में आपने हमें विस्तार में बताया, और दूसरी तरफ जो भी अवेलेबल एग्जिस्टिंग राइट्स हैं उसका इस्तेमाल करके उसको ठीक से पब्लिसाइज करके जनता तक पहुंचाना और फिर जनता में रोष उत्पन्न करना, उन चीजों में कमी हो रही, तो इसको रोकने के लिए, इसको ब्लॉक करने के लिए, या फिर मैं ये कोई इसको रिवर्स भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आप जरा बताइए। जी बिल्कुल, उसके लिए तो बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे तो पिछले 18 सालों में से किसी एक भी साल में आरटीआई कानून का इस्तेमाल हमारे देश के नागरिक में से 1% तक भी कोई अभी वो संख्या पहुंची नहीं है, यानी 1% से कम नागरिक हमारे देश के आरटीआई कानून का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक मेरे आंकड़े हैं, मैंने कुछ इकट्ठा किए थे, उसके मुताबिक ये आता है 0.5% से ऊपर नहीं जाता। अगर और इसके पीछे का जो दोष है वो पूरी तरह से सरकार की है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सूचना के अधिकार कानून में स्पष्ट रूप से एक दायित्व को सौंपा गया है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, इस कानून के प्रचार प्रसार नागरिकों के बीच में करने के लिए, और खास तौर पर जो वंचित समुदाय के लोग हैं, जो सरकारी सेवाओं से वंचित रहते हैं, लाभार्थी बन नहीं पाते हैं, उन लोगों को नजर में रखकर सूचना कानून के प्रचार प्रसार के बारे में दायित्व इन सरकारों को दिया गया था, उन्होंने अपना दायित्व संभाला नहीं। लेकिन यहाँ पर जब वो करेंगे नहीं तो दायित्व मीडिया क्षेत्र का बन जाता है। तो कोई प्रचार होता हुआ हमें दिखाई ही नहीं देता है, अभी दिखाई नहीं देता, बजट का आवंटन ही नहीं है, तो फिर प्रचार प्रसार करेंगे कहाँ से, बजट ही नहीं लगते हैं इसके लिए। तो इसलिए नागरिक समाज वाले और मीडिया के क्षेत्र वाले हम लोग अगर इकट्ठा हों और ज्यादा से ज्यादा हमारे कोशिश, हमारे मेहनत इस बात पे लगाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी, प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी पहुंचे, और उनको ये बताएं कि किस तरह से सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया जा सकता है हर दिन, चाहे पुलिस के संदर्भ में हो, ट्रैफिक के संदर्भ में हो, राशन के दुकान के संदर्भ में हो, पानी के संदर्भ में, बिजली के संदर्भ में, इतने सारे मुद्दे हैं जहां पर आरटीआई कानून का इस्तेमाल करके जवाबदेही मांगी जा सकती है, और उसका पहला कदम है पारदर्शिता मांगना। तो इसके वजह से मैं कहता हूं, अभी भी चाहे जितने भी संशोधन इस कानून में आए, जब तक कानून रहेगा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और भरपूर कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को इस कानून को इस्तेमाल करने के लिए हम प्रेरित करें। जी वेंकटेश जी, आपसे एक छोटा सा सवाल आखिर में बातचीत को संक्षेप में मतलब खत्म करने के लिए, कि यूपीए के समय में कम से कम मतलब पहले करीब 10 साल के करीब राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत समाज में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट के तौर पे लोगों को अपने आप को परिचय देने में लोगों को गर्व महसूस होता था। इधर कुछ सालों में देखने को मिला है कि एक तो लोग बोलते नहीं है, और जो लोग बोलते हैं उनको सस्पिशियस निगाह से बाकी लोग देखते हैं, कि एक तरह से माना गया है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है वो एक तरह से कि राष्ट्र विरोधी हरकतों में मतलब शामिल हो गया है। क्या आपको भी ये इसी तरह के एक्सपीरियंस देखने को मिले? खुदा का शुक्र है कि मेरा कोई इस तरह का निजी अनुभव नहीं रहा है, किसी ने मुझे उंगली उठाकर नहीं बताया कि आप आरटीआई कानून का दुरुपयोग करते हैं। एक दो लोगों ने किया है, लेकिन ये आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आजकल आरटीआई एक्टिविस्ट या आरटीआई कार्यकर्ता बनना एक तरह से एक गाली बन गया है। हाँ, आरटीआई, अरे ये तो आरटीआई एक्टिविस्ट है, एक तरह से उनको गलत नजर से देखा जाता है, और इस वजह से, क्योंकि एक मंशा सरकार ने और
कई सारे सूचना आयुक्तों ने बिल्कुल एक्टिव तरीके से इस सोच को बढ़ावा दिया है कि गांव के स्तर पे, ज़िले के स्तर पे जो आरटीआई कानून का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जैसे किसी ने 20 एप्लीकेशन डाले, किसी ने 40 एप्लीकेशन डाले, उन सबको बोला जाता है ये तो प्रोफेशनल आरटीआई एक्टिविस्ट है। अब समझ में ये नहीं आता कोई अगर प्रोफेशनल लोग हैं जी क्या होते हैं, प्रोफेशनल मतलब इनका और कोई काम धंधा नहीं है, ये केवल आरटीआई डालते रहते हैं, जानकारी निकलवा के फिर ब्लैकमेल करते हैं। ये प्रोफेशनल बन गए तो मतलब उसमें से उनकी आमदनी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे देश में प्रोफेशनल राजनेता बनने पर किसी को कोई परहेज नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन कोई प्रोफेशनल तरीके से अगर कानून का इस्तेमाल करके सरकार से जवाब मांगना चाहता है तो वो बुरा माना जाता है। और इस सोच को अगर खत्म करना है तो सरकार की तरफ से होना क्या चाहिए, वो निदर्शन बताने चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल्स देने चाहिए कि किन चीजों को वो मानते हैं कि ये गलत इरादे से फाइल किए गए आरटीआई से। केवल कहना मात्र कि आरटीआई का दुरुपयोग हो रहा है काफी नहीं है, आप सबूत के आधार पर बात कीजिए। दूसरा तरीका हमारे नागरिक समाज की तरफ से क्या हो सकता है, वो ये है कि हाँ बिल्कुल, जैसे सारे उंगलियां एक ही प्रमाण के नहीं होते हैं, कुछ लोग होते होंगे जो आरटीआई का गलत इस्तेमाल करते होंगे, आंकड़े नहीं है आज के तारीख में, लेकिन जब भी हमें इस प्रकार के उदाहरण अगर मिलते हैं तो हम उनसे बात करें और कहें कि भैया ये सार्वजनिक हित के लिए लाया गया कानून है, तो इसका उपयोग भी आप सार्वजनिक हित में जरूर करें। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं है इस कानून को गलत इस्तेमाल करने के लिए, आप उसको छोड़ दीजिए, मत ना करें। लेकिन जरूरी ये है, जैसे जिस स्तर से और जिस विकास के दौर से हमारा देश गुजर रहा है आज के तारीख में, मुझे तो लगता है कि जन भागीदारी के बिना, जिन गोल्स को या मिशन को, जैसे 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी हो या फिर पूरे देश के लिए, सॉरी पूरी दुनिया के लिए हम एक तरह से गुरु समान बन जाए, आप समझते होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल, उन स्तरों तक पहुंचना है तो हमें अपने लोकतंत्र के जड़ को, उसकी नींव को मजबूत करना होगा। उसका सबसे पहला तरीका यह है आरटीआई कानून का, सरकार भी उसको अपनाए, लोग भी अपनाए, और पारदर्शिता लाने के लिए दोनों का योगदान पूरी तरह से हो। वेंकटेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपने बिल्कुल चीजों को बताया, और आखिर में जिस तरह से आपने अपने बातचीत को राउंड अप किया वो बहुत ही बेहतरीन था। तो ये थी वेंकटेश जी ने बताया कि हिंदुस्तान में 1% से भी शायद कम लोग आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं। इस नंबर को बढ़ाने के लिए हम लोग कम से कम एक चीज तो कर सकते हैं कि जिन लोगों ने कम से कम ये कार्यक्रम देखा है वो तो राइट टू इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं और जाके एप्लीकेशंस डालें और सूचना लें, जो मांगे, जो आपका हक है। हिंदुस्तान की जनता जब तक अपने हक को नहीं मांगेगी तब तक सरकारें जो हैं किसी भी पार्टी की हो उसको ट्रांसपेरेंसी के तहत काम नहीं करते। आज का कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।